जनपद में कोई भी व्यक्ति अपने साथ 50,000 से अधिक की धनराशि नहीं लेकर चल सकता है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है तथा प्रदेश के सभी जनपदों में आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा जनपद में 9 विधानसभा तथा सभी विधानसभा में स्टैटिक टीम व फ्लाइंग स्क्वाड की टीम लगी हुई है तथा टीम को निर्देशित किया गया है कि जो भी गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं उसको चेक करें तथा गाड़ी में कोई महिला है तो महिला पुलिस को साथ लेकर चेक करें। उन्होंने कहा कैश को लेकर भारत निर्वाचन आयोग का एक आदेश है कि 50,000 से अधिक का कैश है तो उसको जब्त किया जाए तथा तत्काल बड़े अधिकारियों को सूचित करें। उन्होंने कहा कोई भी ऐसी सामग्री जो मतदाताओं को प्रलोभन दे सकता है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है तथा कहीं पर इस तरह की सामग्री मिलता है तो उसे जब्त किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचनों की घोषणा कर दी गई है। हमारे जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, सब जगह स्टैटिक टीम और फ्लाइंग स्क्वाड लगी हुई है। सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं उनको चेक करें, उसके लिए प्रोटोकॉल का पालन करें। चूँकि कोविड का समय है, एक डिस्टेंस मेंटेन करें। निर्देश ये दिया गया है कि यदि गाड़ी में कोई महिला बैठी होती है तो उसमें तभी कार्रवाई करें जब कोई महिला पुलिस अधिकारी साथ में हो या पुलिस कर्मचारी साथ में हो। कैश के बारे में ये निर्देशित किया गया है, 2015 का एक निर्देश है माननीय भारत निर्वाचन आयोग का। अगर 50,000 रुपये से अधिक का कैश है तो वो जब्तीकरण की श्रेणी में आता है। मेरा निर्देश है या अनुरोध है अपनी सभी स्टैटिक टीमों से, अगर उनको कहीं पर कोई कैश मिलता है तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित करें। हम लोग इनकम टैक्स को सूचित करेंगे और जो नियम होगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। सामग्री के लिए भी क्या है? सामग्री में जैसा कि सब जानते हैं आदर्श आचार संहिता लागू है। कोई भी ऐसी सामग्री जो मतदाताओं के प्रलोभन में यूज हो सकती है, मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए यूज हो सकती है, वो प्रतिबंधित है। केस टू केस बेसिस पे इसका निर्णय होगा। अगर कोई ऐसी सामग्री मिलती है तो एसएसटी टीम उसके बारे में अपना निर्णय ले और कहीं पे उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर के कार्रवाई करें।